हैंडल वाइड है, ये यजदी रोड स्टार, वो एडवेंचर और वो स्क्रैम्बलर, तो तीनों का रिव्यू करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम जा रहे हैं यजदी की टेस्ट ड्राइव के लिए। अभी तो बात ही करने जा रहा हूँ, क्योंकि द्वारका में मेरी अभी बात हुई नहीं है शोरूम में। साकेत में मेरी बात हो चुकी है, कल के लिए उन्होंने बोल दिया सुबह मॉर्निंग में, बट उन्होंने बोला कि आपके पास में ही शोरूम है द्वारका में, तो आप एक बार वहाँ ट्राई कर लो। तो वही द्वारका में ही जा रहा था। द्वारका वालों ने ऑनलाइन वगैरह कोई नंबर वगैरह नहीं डाला हुआ अपनी साइट वगैरह पे, कहीं भी नहीं मिला मुझे, तो इसीलिए मेरे को जाना पड़ रहा है वहाँ। वहाँ जाके देखते हैं कि कब की मिलती है टेस्ट ड्राइव। जब भी मिलेगी तो आपको रोड टेस्ट रिव्यू देंगे जावा के। अभी अपनी हाइनेस पे जा रहे हैं और इसी सेगमेंट में निकली है बाइक। वो मुझे उसकी यजदी ने तीन बाइकें निकाली हैं, लेकिन मुझे उसकी स्क्रैम्बलर ज़्यादा अच्छी लगी, तो स्क्रैम्बलर पे ही रोड टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अंदर जाके, बाहर कोई शोरूम दिख रहा है मुझे तो दिख नहीं रहा। मुझे लग रहा है फिर से वही सीन हो गया कि यहाँ कोई शोरूम नहीं दिख रहा, बट फिर भी एक आगे और चलते हैं। हुंडई का है शायद से ये शोरूम था पहले आई थिंक, क्योंकि यहाँ लोकेशन ख़त्म हो गई है। ये फिर से पोपट बन गया, यहाँ कोई जावा का शोरूम मिल गया। यस, बट वो लोकेशन पे नहीं है, चेंज हो गया है, ये शायद नया खुला है वहाँ से। तो अभी तो हाँ सामने खड़ी है और भीड़ भी लगी हुई है। यहाँ तो पहले से ही भीड़ लगी हुई है, तो हम लगाते हैं अपनी बाइक को साइड में और उसके बाद बात करते हैं। अब फ़ोन खोलो, ले में मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मोबाइल में बाइक में छोड़ गया था पार्किंग में। सो जावा के साथ मिलके यजदी ने अपनी बाइक बनाई है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, इंजन वगैरह भी थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस है, तो इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे। ये टेस्ट ड्राइव चाहिए थी मेरे को इसकी, अभी टेस्ट ड्राइव नहीं मिल पाएगी, नहीं आज नहीं चाहिए, कल चाहिए यार, कल मिल जाएगी। हाँ कल ही चाहिए, लेकिन मेरे को रिव्यू करना था यार। रिव्यू अभी परमिशन नहीं है यार। कैसी बात कर रहे हो, सब जगह तो मिल रहा है, मेरे यहाँ भी परमिशन है यार। मुझे तो बस ये था कि भाई द्वारका में मेरे पास में पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एग्री करता हूँ आपकी बात से, बट अभी हमें रिव्यू करने के लिए परमिशन नहीं है जावा की, किसी भी शोरूम को नहीं है। ऐसा तो नहीं है यार, बाकी का तो नहीं पता। साकेत से, साकेत वालों ने यहाँ पर भेजा मेरे को, मेरे साकेत में बात हुई थी तो उन्होंने कहा सर आप ना पहले वहाँ पर ट्राई कर लो। अभी नहीं है सर, परमिशन नहीं है, जैसे परमिशन होगी आप नाम नंबर क्या, मेरे को टेस्ट ड्राइव में रिव्यू करना है, अंदर नहीं करना सर, अभी है ही नहीं, परमिशन ही नहीं है। ओके हाँ जी। अरे यार क्या सिर्फ टेस्ट ड्राइव वैसे ले सकते हैं बस दो चार पाँच मिनट की लग जाएगा? हाँ दो चार पाँच मिनट मतलब नॉर्मल आप चला सकते हैं, क्योंकि इसका टीसी नंबर नहीं लगा। ओके हाँ जी। अच्छा मीडियम मोड की बाइक है ही नहीं अभी आपके पास, ठीक। सो ये है यजदी, स्क्रैम्बलर, इसी की टेस्ट ड्राइव चाहिए मेरे को, पूछे 2 लाख की भी। तो देखते हैं, बाकी तो ये सब फाइबर का है, तो साकेत में बात करता हूँ। यहाँ तो टेस्ट ड्राइव नहीं मिल रही, और ये इनकी एडवेंचर जो
ऑलमोस्ट मतलब कि हिमालयन की तरह ही है, बस इंजन का फ़र्क है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है इनमें। बस प्लस पॉइंट यही है कि ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, सो बाइक ज़्यादा हीट नहीं करती। ये इसका सेकंड कलर और वो उसकी रोडस्टार, ये यजदी रोडस्टार, वो एडवेंचर और वो स्क्रैम्बलर। तो तीनों का रिव्यू करेंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ से चलते हैं, मैं साकेत में बात करता हूँ, वहीं पर टेस्ट ड्राइव लेंगे और वहीं से रिव्यू करेंगे। एक बार बैठ के तो देखें। हैंडल वाइड है, सो निकलते हैं गाइज, अभी मिलते हैं घर के लिए। पर उससे पहले बात करता हूँ साकेत में, उनको कल के लिए टेस्ट ड्राइव बुक करवा देता हूँ। हालांकि मेरी करनाल रोड पे भी बात हो चुकी है, पर वो मेरे को लंबा पड़ेगा। तो हाँ हाँ ठीक है गाइस, इन भाई को बात हो गई है उनके मैनेजर से, वो कह रहा है कि इनके पास अभी एक्चुअल में मीडियम मोड की बाइक नहीं है, इनके पास आज ही सारी बाइकें उतरी हैं, ये ट्रकों में इनमें उतर ही रही हैं और तैयार हो रही हैं। तो हम निकलते हैं साकेत और साकेत में ही रोड टेस्ट करेंगे इसका। वहाँ पर उनके पास है मीडियम मोड की बाइक, लेकिन पहले मैं एक बार कॉल कर देता हूँ उनको, कॉल करके पूछ लेता हूँ, अपॉइंटमेंट बुक करा लेता हूँ कल की, क्योंकि सुबह 10:30 बजे मुझे शोरूम पहुँचना होगा। 10:30 से 12 के बीच का टाइम है मीडियम मोड की बाइक के लिए, वो 1-1.5 घंटा देते हैं हमें रिव्यू के लिए। सो यहाँ पर अभी इनसे बात हुई है, ये 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। मैं अंदर गया था सेल्स मैनेजर के पास, तो 2 दिन का टाइम मांगा उसने कि सर 2 दिन का टाइम दीजिए, हम बाइक अपनी राइडिंग, अभी टेस्ट ड्राइव ही नहीं है हमारे पास, हमारे पास बाइक ही आज ही आई हैं मॉर्निंग में और हम बाइकें तैयार कर रहे हैं। अभी इन्होंने 3-4 बाइकें शोरूम में लगाई हैं अंदर, बाकी अभी बाहर ही तैयार हो रही हैं। वो सीट वगैरह, लेग गार्ड वगैरह सब अलग अलग आते हैं, तो वो सब सेट हो रहे हैं। तो 2 दिन के लिए बोल रहे हैं ये। साकेत में मेरी बात हुई तो वहाँ भी कल का अपॉइंटमेंट बुक हो गया किसी और का, तो उन्होंने बोला कि आने में आप आ सकते हो सर, लेकिन जो मीडियम मोड की बाइक होती हैं आपको मॉर्निंग 10 से लेके 12 बजे तक के लिए 1.5 से 2 घंटे आपको बाइक मिल जाती है, और अगर वैसे आप आओगे तो उसमें फिर आपको मतलब कि थोड़ा ही टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर उसमें मैं क्या टेस्ट ड्राइव कर पाऊँगा उसकी अच्छे से, वही 15-20 मिनट में तो कुछ भी नहीं होगा, ट्रैफिक में ही लग जाता है टाइम, थोड़ा दूर लेके जाएंगे, लंबा लेके जाएंगे तब जाके पता लगेगा। तो इनसे भी बात कर ली मैंने, बाकी वो करनाल रोड पे हैं, मैं बात करता हूँ उनसे, अगर कल उनके पास अवेलेबल हो जाएगी तो मैं कल वहाँ पर टेस्ट ड्राइव लेता हूँ, नहीं तो परसों की मेरी साकेत में अपॉइंटमेंट बुक हो गई है। सो अब निकलते हैं घर की ओर, और एक दो काम है वो निपटाते हैं, फिर कल मुलाकात होगी आपसे जल्दी, हाइनेस के बदले होगी यजदी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।